हम नहीं कह रहे हैं इस बात को, बाबा तुलसी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। हाँ, कथा राम की गूढ़ की गूढ़, भगवान की राम की कथा जो है वो कैसी है? अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्य परिपूर्ण है, उसको कौन समझ सकता है? श्रोता और वक्ता, ज्ञान निधि दोनों। लेकिन ध्यान रखना, श्रोता को पहले रखा है, श्रोता को पहले ज्ञान की निधि कहा है, वक्ता को बाद में कहा है। और समझने जैसी बात है, यदि श्रोता समझ वाला ना हो तो वक्ता कहता रहे हाँ? क्या फर्क पड़ता है? श्रोता समझ वाला होता है, विवेक वाला होता है, इसलिए वक्ता तो इतनी सी बात कहता है, कोई एक लाइन बस कह दिया, लेकिन उसके आगे क्या होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए, वो वक्ता कहा और श्रोता समझ जाता है। इसलिए श्रोता को ज्ञान निधि कहा है। फिर भी कहने की कोशिश करते हैं। आइए, मनु महाराज। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना, संत चकोर करही जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समा, शशि किरण समा, शशि किरण समा, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही नित पाना। तो नित्यपान करना चाहिए कथा, जहां जहां सत्संग की बात आई, कथा की बात आई है, वहां नित शब्द जरूर लगा है, सदा सेव्या, सदा सेव्या। जहां सत्संग की बात आई वहां सदा आया, वहां नित आया। वेकेशनल प्रोग्राम नहीं है ये, वेकेशन है तो चलो, ना ना, सदा सेव्या। राम भगति कैसा है? बार बार वर मांगा हूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपावनी भगति सदा, सदा। फिर आ गया सदा, सत्संग। जहां सत्संग आया वहां सदा आया। तो नित्य नित्य और भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। मनु महाराज के तीन पुत्रियां देवहूति आकुति प्रसूति, दो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रीव्रत, मध्यम कन्या हैं आकुति। करदम जी के साथ में विवाह हुआ। करदम जी कितने 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 तपस्वी, कितने तपस्वी, हजारों वर्ष तक तपस्या किया। करदम को हमें समझ लेना चाहिए, देवहूति को हमें समझ लेना चाहिए। करदम कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, भगवान की भक्ति के मार्ग में चलते हुए अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया। जो इंद्रियों का दमन करे वही करदम है। देवहूति कौन है? जिसने आहूत कर दिया हो संसार की, संसारिक बुद्धि को जिसने भगवान के चरणों में आहूत कर दिया हो, वह देवहूति। करदम ऐसे करदम है कि अस्त्र बिंदु बहते हैं भगवान के दर्शन करते हैं तो,
द्रग बिंदु बहते हैं, अश्रु बिंदु बहते हैं, झर 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 निर्झर धारा अश्रुओं की प्रवाहित होती है भगवान का दर्शन करके। और भगवान से मांगते हैं, भगवान जब सामने आते हैं भगवान कहते हैं तुम्हें दाम्पत्य जीवन स्वीकार करना है, दाम्पत्य जीवन स्वीकार करना है। वो कहते हैं ठीक है मैं दाम्पत्य जीवन तो स्वीकार करूं, लेकिन मेरे दाम्पत्य जीवन को धन्य करने के लिए मेरे यहां पुत्र बनकर के आप आए। ध्यान रखना प्रत्येक क्रिया में भक्ति में भगवान की प्राप्ति ही हुई। संसार में भी जाना पड़े तो किसके लिए, बोले भगवान के लिए। संसार का त्याग भी करना पड़े किसके लिए, बोले भगवान के लिए। चाहे संसार को वरण करना हो, चाहे संसार का त्याग करना हो, लेकिन हेतु यदि कोई है तो वो भगवान की प्राप्ति है। प्रत्येक क्रिया में भगवान ही निबद्धित हैं, प्रत्येक सूत्र में भगवान ही निबद्धित हैं। यही तो भक्त की भूमिका है। निर्झर धारा द्रग बिंदु से बहे, सरोवर बन गया बिंदु सरोवर। हमारे यहां दो सरोवर हैं, दो सरोवर हैं। एक सरोवर जहां मात्र गया श्राद्ध होता है, और एक जगह पितृ श्राद्ध होता है। सरोवर बना, ये सरोवर किसका सरोवर है, ये द्रग बिंदु क्या है, ये द्रग बिंदु भक्ति की सरिता है। जो आ जाए तो अपने जिसके जीवन में माता के प्रति ऋण है, वात्सल्य का ऋण है, ममता का ऋण है, ममता के ऋण से तुमको मुक्त होना है तो फिर कहां जाए, उसी सरोवर में जाए। मात्र श्राद्ध का मतलब क्या है, अपने वात्सल्य ऋण से ममता के ऋण से उऋण होना। अहमता और ममता यही दो बांधने वाले तत्व हैं। अहमता यानी शरीर, ममता यानी संबंध, संबंध यानी मोह वासना। ममता वासना से बांधती है, वासना से मुक्त हो जाएं और हमारी वासना उपासना में परिणत हो जाए। इसलिए हमें जाना है उस सरोवर में। किस कौन से सरोवर में, बोले भक्ति के सरोवर में, जहां भक्ति का रस भरा हुआ है, भक्ति का द्रग बिंदु से एक सरोवर बन गया है, वहां जाकर के हमको रहना है। यही स्वरूप है कर्दम जी की और देवहूति की इस कथा का। आदेश दे दिया जाओ तुम विवाह करना, विवाह करने का यहां आदेश मिला, उधर ब्रह्मा जी ने भी आदेश दिया कि आप जाओ जाकर के बिटिया का विवाह करो कर्दम से। मनु महाराज लेकर के आए, पर्णकुटी है उस पर्णकुटी में लेकर के आए। और संसार की बुद्धि का त्याग कर दिया है, इसलिए इन्होंने जिस सरोवर की स्थापना करी वो कौन सा सरोवर, भक्ति का सरोवर, अर्थात जिसके जीवन से वासना मिट गई। भक्ति कब पैदा होगी, जब जीवन की वासना मिट जाए। कामना यदि रहेगी तो फिर उपासना नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकती, कामना से भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए पहले दिन ही सूत्र में हमने कहा था सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोच्छजे अहेतुक्य अप्रतिहिता। अहेतुकी भक्ति, निष्काम भक्ति, कामना से मुक्त होकर के भक्ति, निष्काम भक्ति ने सरोवर की स्थापना करी है, भक्ति के सरोवर की स्थापना करी है। अर्थात वासना से मुक्त होकर के भक्ति के सरोवर की स्थापना करी। और देवहूति ने क्या किया है, अपने संसार की बुद्धि का त्याग कर दिया है, संसार की वासना का त्याग कर दिया है। इसलिए वासना से मुक्त
ऋषि का वर्ण करने के लिए आई, मुझे कोई कामी राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे कोई ऋषि का संबल मिले, आश्रय मिले, सेवा मिले। सेवा करने के लिए आई हैं, कामना की पूर्ति के लिए नहीं आई हैं, ऋषि की सेवा करने का सौभाग्य मिले। आज ऋषि की सेवा करने आई, ऋषि की सेवा करी, आज परीक्षा लेकिन ली, ऋषि परीक्षा ले रहे हैं, आसन डाल दी दो तीन, दो में तो मनु शत्रु पर बैठ गए, तीसरी में देवहूति को, लेकिन भारत की बेटी है, संस्कारों की बेटी है, कैसे स्वीकार करे पति का, यह कैसे स्वीकारे। तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, वरन अपना वरद हस्त पधरा दिया और बगल में बैठ गई। अब समझ में ये बात नहीं आती है कि जब भगवान ने कहा था कि तुम विवाह कर लेना, तो विवाह कर लेना चाहिए था, लेकिन भगवान की कही हुई बात के बाद भी फिर परीक्षा क्यों ली। उधर शंकर जी को भी भगवान ने कह दिया, हे देव महादेव अब विवाह करो, आपकी आज्ञा को सर्वमान्य करूंगा, और फिर भेज दिया सप्तऋषियों को, जाओ पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। सप्तऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा, यहां भी कर्दम ऋषि देवहूति की परीक्षा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान आप में सारे गुण ही गुण हैं, पर एक कमी और एक अभाव तो आप में भी है। भगवान ने पूछा, हम में कौन सा कमी, हम में कौन सा अभाव? बोले, सारे गुण हैं पर एक कमी है, हम में भी कमी निकाल दी। बोले, हाँ आप में भी कमी है। कौन सी कमी है? बोले, आप अच्छे पारखी नहीं है। आप अच्छे पारखी नहीं है। मैं अच्छा पारखी नहीं? मतलब? बोले, आप संसार के गुण ही गुण देखते हैं, दोस्तों आप देखते ही नहीं है। और सच मानिए, भगवान यदि हमारे दोषों को देखने लग जाएं, तो हम किसी लायक नहीं रह जाएंगे। भगवान हमारे दोषों को नहीं देखते हैं, गुण ही गुण देखते हैं।